गाइज वेलकम टू ट्रैवल विद पीजे और एक वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक मार दो और शेयर करो चैनल को। तो मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है मेरा हिमालयन, 2 साल कंप्लीट हो चुका है। ये 2019 में लिया था, BS4 हिमालयन है। तो 2 साल कंप्लीट हो चुका है और डिस्टेंस अराउंड 19,000 किलोमीटर्स कंप्लीट क्या रहेगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं, क्योंकि आप लोगों को अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो पता ही होगा कि स्पीडोमीटर और उसका जो वायर है उसमें दिक्कत आ रहा था। तो इसके लिए अराउंड 2000 किलोमीटर मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर, ये वाला RPM मीटर और ये वाला अपना फ्यूल इंडिकेटर और कॉम्पास, तो तीनों के तीनों ही पूरा फॉग खा रहा था। 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद पूरा बारिश के माहौल में पूरा फॉग हो जा रहा था लिटरली। तो इसके लिए ये रिप्लेस हुआ वारंटी के अंदर, 2 साल का वारंटी रहता है। तो मैंने 5 फ्री सर्विसिंग के बाद एक 6th सर्विस कराया, क्योंकि मेरे को ये वाला रिप्लेस करवाना था और सर्विसिंग ड्यू था, तो इसीलिए मैंने सर्विस सेंटर में करा लिया। हालांकि थोड़ा कॉस्टली आया उनका, अभी रॉयल एनफील्ड ने बढ़ा दिया है सर्विसिंग का चार्ज। अभी जनरल चेकअप का 800 समथिंग रुपीज़ है, पहले 600 था। अभी तो पता है जैसे सब चीज़ का भाव बढ़ रहा है तो भाव बढ़ा। तो उस सर्विस में मेरा ये स्पीडोमीटर रिप्लेस हुआ। और उसके बाद और एक बेहतरीन चीज़ हुआ जो कि मैं आज फील किया, एक्चुअली कर रहा था कुछ दिनों से लेकिन आज देखा तो प्रॉपरली पता चला। तो जो सर्विसिंग हुआ उसमें एयर फिल्टर चेंज हुआ। तो एयर फिल्टर जो चेंज हुआ है, मेरा गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो फर्स्ट गियर में आराम से मैं 40 ऐसे तक ले पा रहा हूँ और सेकेंड गियर में मानोगे नहीं 60 आराम से जा रहा है। थर्ड गियर में 80 पूरा मक्खन के तरह जा रहा है, 90 के आसपास थोड़ा गाड़ी बोल रहा है कि फोर्थ गियर को लो, वरना थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम सही हो चुका है। और उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था, जो रॉयल एनफील्ड का नॉर्मल सेमी सिंथेटिक ऑयल था, और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था। फ्रंट वाला डिस्क है, फ्रंट ब्रेक का ब्रेक पैड भी चेंज। तो ये कुछ था सर्विसिंग का रिप्लेसमेंट। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाया है बाहर से मंगा के, आपको दिखाता हूँ वो वाला। तो ये वाला अपोलो का टायर है, जिन लोगों ने देखा होगा मैंने एक टायर के ऊपर वीडियो बनाया था कि मेरा पंक्चर हुआ था, उसके बाद मैं रिप्लेस किया, नया टायर लगाया। एक्चुअली सीएट और अपोलो में ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लगा। आप देखो ये वाला जो है नॉब्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें एक तो कम है। तो मेरे को थोड़ा डिफरेंस ये लगा कि अपोलो का टायर थोड़ा कम स्किड होता है, सीएट का भी हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता, ABS वगैरह है, लेकिन पानी वानी में मेरे को जो फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, अपोलो मेरे को थोड़ा कम स्लिपरी लगा। तो कितना जाता है देखना पड़ेगा, क्योंकि 500 किलोमीटर्स नए स्पीडोमीटर में और मैंने कोरापुट ट्रिप किया था तो वो 1500 किलोमीटर्स, अराउंड 2000 किलोमीटर हो चुका है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई पंक्चर नहीं, टच वुड, वुड तो इधर है नहीं, पंक्चर के साथ मेरा अलग ही पंगा रहता है। आप लोगों को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैंने व्यूअर है, पता ही होगा हिमालयन में क्या रहता है मेरा पंगा। तो ठीक ठाक है। आगे वाला टायर मैंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा है उनमें थ्रेड्स, पीछे वाले का टोटली नहीं था, तो इसीलिए आगे वाले का रिप्लेस नहीं किया। और उसके बाद और एक चीज़ किया हूँ मैं, तो ये वाला देखो, ये वाला जो फुट पेग है ये वाला भी मेरा टूट गया था, तो उसे भी रिप्लेस करवाया। फुट पेग का कॉस्ट 200 रुपीज़ आया। तो हाँ, भूल गया था आप लोगों को बताना है, अपोलो का जो टायर्स है उसका कॉस्ट 2900 के आसपास आया। एक्चुअली ये प्राइस वैरी करता है 2500 से लेके 3200, मैंने 2500 टू 3200 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो, कौन से डीलर से लेते हो, क्योंकि नेट में बहुत डिफरेंट प्राइस लिखा हुआ था। तो मैं जब गया तो डीलर ने मेरे को 2900 बोला। टायर विथ ट्यूब आता है और हिमालयन का जो ओरिजिनल इसका नंबर है वही रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आप लोग देख पाओगे। रुको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपोलो का ये टायर और 120-90-17, ये जो है ये हिमालयन का रियर टायर का नंबर है। तो पूरा फिट आता है, आगे वाले का टायर भी आता है, मैंने किया नहीं, करूँगा तो आपको बताऊँगा।
बोबो करके एक कंपनी है, टाइप सी का चार्जर है, आप यहाँ पे लगा पाओगे चार्जर अपना टाइप सी का पिन, और यहाँ पे ऑन करने से हो जाता है। तो अच्छा चार्जर है, कोरापुट ट्रिप में यूज़ किया था, टाइप सी का है, फास्ट चार्जिंग करता है मेरा वन प्लस का फ़ोन को। ये गोप्रो को भी चार्ज किया हूँ, ठीक ठाक है, अभी तक तो कुछ दिक्कत आया नहीं है। और मोबाइल फ़ोन लगा के 80-100 में गाड़ी भगाया हूँ, मोबाइल फ़ोन तो गिरा नहीं है अब तक, और गिरे भी ना फ्यूचर में भाई, बहुत बड़ा झटका लगेगा वरना। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ बाइक के आगे, तो ये वाला चेंज हुआ है, पता ही चल रहा होगा, ये हैंडल बार मैंने नया लगाया है। तो ये वाला आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है, ये हैंडल बार लगने से बाइक का पोजीशन, सिटिंग राइडिंग पोजीशन थोड़ा अपराइट हो गया, तो इसके वजह से आराम से आप हैंडल के पास पहुंच पाओगे। और अगर आप सैडलिंग कर रहे हो, खड़े होके चला रहे हो ऑफ रोड वगैरह में, तो वो और भी ज़्यादा आसान हो गया। हिमालयन तो वैसे भी है ऑफ रोड वगैरह में चलाने के लिए, बैड रोड्स, ऑफ रोड्स, स्नो रोड्स, तो ये और भी अच्छा हो गया हैंडल बार लगाने के बाद। और हैंडल बार में ये वाला जो दिया हुआ है ये पोल, ये भी सही है, इसमें चार्जर आ गया, और चाहोगे तो और कुछ भी, सपोज़ इंस्टा 360 कैमरा या फिर और एक गोप्रो आराम से माउंट कर पाओगे। उसके बाद और एक चीज़ जो मैंने लगाया, ये है ब्लू कलर का, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं नाइलॉन कैप, ये भी आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का है। तो वो नाइलॉन कैप ऊपर लगाया है ताकि कॉन्सेट जो है उसके अंदर पानी ना जाए और वो रस्ट होके ख़राब ना हो जाए। तो ये जो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है, इसका कॉस्ट 1900 रुपीज़ है, और वो जो नाइलॉन कैप देखे आप, उसका कॉस्ट अराउंड 550 रुपीज़ है। तो ये दोनों अराउंड 2500 है, लेकिन उसमें 200 समथिंग रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस रहता है, तो कुल मिला के दोनों मिलके मेरे को 2700 में पड़ा। तो ठीक ठाक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए कोई मतलब इतना इशू नहीं कि हाँ पैसा लिया ये किया। एक चीज़ बोलूँगा, ये जो कैप देख रहे हो आप नाइलॉन कैप, तो इसके जगह आप अगर चाहो तो एक इंडियन देसी जुगाड़ लगा सकते हो। मेरे को एक दुकान वाले ने बोला, लेकिन वो कितना ट्रस्टवर्दी है पता नहीं, आप एक बड़ा सा बॉटल का कैप लेना, उसके बीच में होल करना, मेज़र करके आपका जो कॉन्सेट रहता है तो उसे लगा सकते हो आप, ताकि पानी अंदर ना जाए, वही मेन चीज़ है, पानी जाएगा तो ख़राब होगा। तो इसके लिए मैंने नाइलॉन कैप लगाया, आप देखो, आप अगर बोतल का कैप जुगाड़ कर पाओगे, 500 रुपये आपको देना नहीं है, तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्रूवन है, टेस्टेड है आटो मोटरसाइकिल के द्वारा। और यहाँ पे अंदर पे चेंजेस किया मैंने, ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हिमालयन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोन सेट, तो आपका जो गाड़ी का हैंडल बार रहता है उसके नीचे जो कोन सेट रहते हैं उसमें दो बियरिंग रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो वो बियरिंग भाई बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा लकी था, मेरा एक साल ऐसे तक आराम से चला, जब तक एक्चुअली कौन सेट में एक साल का वारंटी रहता है, तो उतने टाइम तक ठीक ठाक चल रहा था। और एक बार मैंने बाइक गिरा दिया था, तो हैंडल थोड़ा बेंट हो गया था राइट साइड को, तो उसके बाद ये पैंडेमिक आ गया, तो गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला, तो ऐसे करके रुक गया था और मैंने चेंज नहीं कराया था। लेकिन कुछ दिनों से मेरा जो गाड़ी है हैंडल राइट साइड को खाली खींच रहा था, क्योंकि हैंडल भी मेरा थोड़ा बेंड हो गया था गिर के, और उसके ऊपर मेरे को लग रहा था कि कौन सेट का भी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया कि एक NTN करके जापानीज कंपनी है, वो कंपनी का दो ठो कौन सेट मंगाया। आपको दो ठो मंगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऊपर जाता है और एक नीचे, तो वो जो कौन सेट दोनों मंगाया, तो उसको मैंने अमेजोन से मंगाया, उसका प्राइस अराउंड 450 रुपीज़ है, उसका भी डिलीवरी चार्जेस रहता है 150 रुपीज़। आप काम करना, एक साथ दो ठो मंगा लेना, तो आपको टोटली 150 पड़ेगा, तो 450 900 और 150 डिलीवरी चार्ज, तो 1050 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो कौन सेट है, अगर आप रॉयल एनफील्ड से लोगे तो वो भी आपको 1100 चार्ज करेंगे, ऊपर का और नीचे का दोनों का मिला के। उसके बाद फिटिंग का जो चार्ज है लगाने का, रॉयल एनफील्ड शोरूम में करोगे तो 1100 रुपीज़ है भाई साहब। तो वो बात सुन के मैंने बोला, नहीं भाई, अपने को नहीं लगाना है, बाहर लगाएंगे। बाहर लगाया तो 400 रुपीज़ में वो काम कर दिया, पूरा हैंडल मैंडल खोल के कौन सेट वगैरह लगाया, सब फिटिंग वगैरह करके दे दिया अच्छे से। तो अभी पूरा कौन सेट का इशू सॉल्व हो चुका है, और ऊपर से ये जो नाइलॉन कैप लगा हुआ है तो इसने वाटरप्रूफ बना दिया है, तो पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो आप NTN का बेयरिंग मंगा सकते हो, उसका नंबर है, हिमालयन का बेयरिंग का नंबर है 30205, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आप खरीद सकते हो, और वो जो हैंडल बार है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का और नाइलॉन कैप भी, अपोलो टायर्स वेबसाइट से खरीदो या फिर अपने डीलर से जाके खरीदो। अपोलो में एक्चुअली 3 ईयर्स का वारंटी है, वो कैसे रीन्यू करना है क्या करना है वो मेरे को ठीक से पता नहीं, बस बोला कि डीलर ने है, मैं बोला ठीक है मान लेते हैं। तो बस यही कुछ था गाड़ी में चेंजेस, सिंपल चेंजेस था, ये जो बेसिक चेंजेस है। आप अगर नया भी लोगे BS6 वाला हिमालयन भी, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये वाला आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार लो और ये वाला नाइलॉन कैप भी ले लो। नाइलॉन कैप की जगह बॉटल कैप लगा सकते हो, बट क्यों बेकार में रिस्क लेना, 500 रुपये तो जाएगा, तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हैंडल बार के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो, हैंडल बार का राइज़र आता है वो लगा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि राइज़र लगाने से बेटर होगा आप लोग पूरा नया हैंडल बार ही लगा दो, क्योंकि वो बेटर रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा एक साथ। और अगर चाहो तो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का नहीं चाहिए तो रॉयल एनफील्ड का भी एक अपराइट पोजिशन वाला हिमालयन का हैंडल बार आता है, तो वो भी लगा सकते हो। तो ये कुछ था हिमालयन के ऊपर मेरा वीडियो, जो जो छोटा छोटा चेंजेस किया 2 साल के बाद, क्या कुछ लगाया। तो BS6 भी अगर है तो ये सब कर सकते हो आप अगर चाहो, टायर अपोलो का ले सकते हो, अभी तक तो ठीक ठाक लगा है मेरे को। और नया वाला जो हिमालयन है BS6 का 2021 वाला, उसमें एक यहाँ पे ट्रिप पर नेविगेशन लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके आप लोग देख पाओगे किधर जा रहे हो मैप्स में। एक्चुअली यहाँ पे उड़ीसा में हिमालयन आया नहीं था नया वाला, बहुत जगह में पूछा हाथ पैर मारा पर मेरे को ठीक से पता नहीं चला, देखेंगे जाके थोड़े दिन बाद अगर आ गया होगा तो आपको अगर गाड़ी देंगे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर कुछ अगर हुआ तो छोटा हो या बड़ा आपको दिखा दूंगा वीडियो हिमालयन का। और आप लोग अगर हिमालयन के ऊपर और भी वीडियोस चाहते हो, देखना चाहते हो क्या कुछ रहता है, कैसे फर्स्ट इम्प्रेशंस वगैरह, तो इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया अपने चैनल में, रॉयल एनफील्ड हिमालयन प्लेलिस्ट, तो वो जाके देख पाओगे, क्योंकि पूरा 2 साल के टाइमलाइन में मैं बीच बीच में रेगुलरली वीडियो बनाता रहता हूँ इसके ऊपर। तो आप लोग अगर अभी नए खरीदे हो या फिर ख़रीदने के लिए सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकते हो मेरे को या फिर वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ तक देखा है तो लाइक मारो, शेयर मारो, और ड्रोन शॉट्स जो लिया बहुत टाइम लगा लेने के लिए, अच्छा लगा है तो उसके लिए और एक लाइक मारो, वरना शेयर करो। और अगर भुवनेश्वर से हो तो मेरे को कमेंट करो नीचे कि ये वाला डेस्टिनेशन के बारे में आप लोगों को पता चला, और अगर आए हो यहाँ पे पहले तो भी कमेंट करो, और अगर आओगे तो इंस्टाग्राम मेरा है प्रतीक जेना, वहाँ पे मेरे को टैग कर देना वो फोटो में, मैं देखना चाहता हूँ कि ये डिफरेंट टाइम ऑफ द डे कैसा दिखता है। तो यही कुछ था वीडियो आज का, ज़्यादा ट्रैवल नहीं था, मैं थोड़ा अपडेट करना चाहता था बाइक के ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पुराने हैं, जो बाइक के लिए फॉलो करते हैं मेरे को, मेरे हिमालयन प्लेलिस्ट वीडियोस के लिए। तो ये कुछ था अपडेट, तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, हिमालयन के ऊपर, साइकिल के ऊपर, या फिर ट्रैवलिंग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।